दिस इज द ट्रूथ हियर हेक्सा, इट साउंड्स ऑलमोस्ट परफेक्ट टू माय इयर्स। एंड इसमें हमें चार ड्राइवर्स मिलते हैं ऑन ईच साइड विद अ डायनामिक ड्राइवर एंड थ्री बैलेंस आर्मेचर्स। और इसका जो अरेंजमेंट है वो काफी ज्यादा सिमिलर है मून ड्रॉप ब्लेसिंग 2 से, एंड नोजल साइज भी अनकैनिंगली बहुत सिमिलर है। इनसाइड द बॉक्स हमें काफी सारे टिप्स देखने के लिए मिलती है, प्लस अ सॉफ्ट लेदर पाउच IMs, प्लस हमें यहाँ पे डिसेंट इनफ केबल भी देखने के लिए मिल जाती है। साउंड सिग्नेचर इसका काफी बैलेंस्ड है और मिड्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, यहाँ पर आपको सेंटर स्टेज में मिड्स ही दिखेंगे, एंड आई लाइक दैट अ लॉट। काफी ज्यादा नेचुरल साउंडिंग लगे मेरे को ईयरफोन्स, उसके साथ साथ दीज आर वेरी म्यूजिकल एज वेल। बेस एंड ट्रेबल भी काफी अच्छे से हैंडल करा हुआ है और ट्रेबल काफी स्मूथली रोल ऑफ हो रहा है, और यहाँ पर जो मिड बेस है इट हैज अ थंप एंड एन अटैक एज वेल। यहीं पे बेस में आप अगर बेस हेड है तो नॉट नेसेसरीली आपके लिए, बट आई थिंक दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब फॉर अ बैलेंस्ड IEM टू प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ बेस। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ थोड़े से सॉन्ग्स में, पर्टिकुलरली सम सॉन्ग्स रिक्वायर अ लिटिल बिट मोर बेस एनर्जी, तो वहाँ पे थोड़ा सा लैकिंग लग सकता है, लाइक लो राइडर बाय वॉर, यहाँ पर जो वोकल्स है नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ बेस सब बेस एनर्जी, और वहीं पे जो मेल वोकल्स है वहाँ पे थोड़ा सा ग्रेन टेक्सचर कम है। सिमिलरली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा सा और बेस पावर चाहिए, I am not saying ki it sounds bad, but it's need a just a little bit more punch. Truth here, Hexa starts shining in the mid range. और यहाँ पे example लेते हैं Pink plus White का, यहाँ पर vocals बहुत ज़्यादा अच्छे produce हो रहे हैं, and 210 पे एक movement आता है Beyonce का, those are giving me goosebumps. Majority of my library consists of vocal centric songs. तो यहाँ पे आई विल बी वेरी बायस टुवर्ड्स दिस डिवाइस एंड आई लव दिस रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड हियर, एंड स्पेसिफिकली फीमेल वोकल्स एंड मेल वोकल्स बोथ आर वेरी वेल डन, बट अ लिटिल बिट ऑफ वार्मथ इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन मेल वोकलिस्ट एटलीस्ट इन द सब बेस रीजन एंड मिड बेस रीजन, एंड फीमेल वोकल रिप्रोडक्शन आई थिंक एटलीस्ट टू माई इयर्स साउंड्स वेरी नेचुरल, सो दे डोंट नीड एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन देयर। इन सॉन्ग्स लाइक स्लो राइड यहाँ पर लास्ट में मोमेंट है सॉन्ग में, बहुत ज्यादा हेक्टिक एंड बिजी हो जाता है इस साउंड ट्रैक, प्लस यहाँ पे काफी ज्यादा शार्प इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज होने लगते हैं, तो यहाँ पे ट्रेबल का स्मूथनेस बहुत ज्यादा अपेरेंट हो जाता है, सामने दिखता है, एंड यू कैन डेफिनेटली लिसन टू दिस सिंग फॉर आवर्स। आई थिंक स्पार्कली नेचर में एक थ्रेशोल्ड को ऑलमोस्ट टच कर रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इट डजंट रीच द वी शेप रेल। अनदर एरिया इज रूम ऑफ द साउंड, जैसे किस कमरे में रिकॉर्ड हुआ है उस तरीके की थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी मेरे को दिखा है इस सेट में। स्पेसिफिकली बात करूँ तो हियर मी आउट EXO का न्यू ट्रैक आया है, उसमें एक अलग सा एनवायरमेंटल साउंड पता चल रहा है कि किसी स्टूडियो में किस तरीके से रिकॉर्ड हुआ होगा। कमिंग ऑन टू द टेक्निकलिटीज ऑफ दिस डिवाइस, आई थिंक दिस इज बीटिंग ऑलमोस्ट एनीथिंग अंडर $100 ईजिली, और यहाँ पे साउंड स्टेजिंग भी मेरे को काफी ठीक लगी, मेरे पास जो है उनसे सबसे ज्यादा साउंड स्टेज लार्जर है इसका, प्लस दिस इज द मोस्ट रिजॉल्विंग IEM आई हैव राइट नाउ। नेचुरल साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इमेजिंग भी मेरे को काफी सही लगी है इस प्राइस पॉइंट में, एंड आई डोंट थिंक यू कैन गेट समथिंग लाइक दिस इवन अंडर $200, एंड इट ईजिली बीट्स द मूनड्रॉप आरिया। बैलेंस कनेक्शन के साथ भी मैंने इसको इस्तेमाल किया, एंड आई थिंक इट इज मेकिंग गुड यूज ऑफ दैट एक्स्ट्रा पावर। सो फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं, तो दिस IEM मेरे लिए फॉर सम टाइम इज गोइंग टू बी एंड गेम। अंडर 20,000 आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेट्स, और अगर आप देखें हाइप जो इसके अराउंड है इट इज डेफिनेटली लिविंग अप टू इट, प्लस रिसेंटली एक हेडफोन जोन सेल्स में 6,300 का मिल रहा था, तो दैट इज आई थिंक इज अ स्टील। दिस IEM विल बी फॉर anyone लुकिंग फॉर अ mid centric प्रेजेंटेशन, एंड दे रिक्वायर अ little बिट ऑफ बेस पावर एज वेल, प्लस smoother ट्रेबल रोल ऑफ एंड technicalities आर गुड। You can even use this for gaming as well. And to my ears at least, it sounds better than the Moondrop Aria. It completely destroys it for me. कुछ नए options भी हैं, जैसे Truth Hear का ही आप ले लो Red. उससे भी मेरे हिसाब से it should sound better at least for people not looking for bass. I will put this on my top recommendation under 10K for sure. तो इतना ही था guys इस वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या थॉट्स हैं Truth Hear Hexa पे, या फिर आप और कुछ जानना चाहते हैं सब नीचे बता दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।